हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा कंस्ट्रक्शन के जैसे मैंने तीन क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही ये चौथा क्वेश्चन है। इन चार या पांच क्वेश्चन का मैंने ग्रुप बनाया है, इसमें से बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन आना है, इसलिए ये भी ध्यान से सीखेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आसानी से कर सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, सिंपल है। पहले एक रेखाखंड बनाना है हमको 8 सेंटीमीटर का, पेंसिल से बनाऊंगा मैं, क्योंकि पेन से बनाना सही नहीं रहता। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा इसमें हमें एक वो खींचना है रेखाखंड, ठीक है। तो रेखाखंड 8 सेंटीमीटर, देखिए 8 सेंटीमीटर क्लियर बीच में लेंगे, क्योंकि ऐसा है ना पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। सिंपल सा इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, ये 0 से आप चले और 8 पे आके रुक गए। अगर थोड़ा बहुत हल्का अगर आप का मेज़र गलत आ रहा है, टेंशन ना लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पॉइंट हमने ए और बी बना दिए। अब हमें क्या करना है, सवाल का अगला जो टर्म था, देखिए मैं सवाल आपके सामने फिर से रख दे रहा हूँ, इसलिए मैंने अलग से लिख के रखा है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब ए से 4 सेंटीमीटर। तो पहले मैं ए से एक छोटा सा टिक मारूंगा 4 सेंटीमीटर का। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ, और ऐसे ही आप करेंगे तो आपको आसान रहेगा। मैंने 4 सेंटीमीटर पे एक छोटा सा पॉइंट मारा और फिर अपना प्रकार लिया, और प्रकार से प्रकार में ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नोकें बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए। अगर ये बराबर की नहीं है तो दिक्कत होने वाली है सवाल में, ठीक है। ये अप्रॉक्स बराबर होनी चाहिए। फिर यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर ए को केंद्र मानेंगे, तो ए पे पॉइंट रखना है आपको, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का देखिएगा, ये है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि मैंने नापा था अभी, और इससे मैंने एक वृत्त खींचना है। इस पेंसिल की स्याही शायद ख़त्म हो गई है ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसी से काम चलाना है। अगर मेरे हाथ की वजह से आपको दिख नहीं रहा हो तो आपको ये गोला बनाना तो आता ही होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का होना चाहिए। इसके आगे फिर बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाएंगे, तो बी से 3 सेंटीमीटर, ये 3 पे रोक दिया मैंने, यानी कि 0 पे मैं इसका पॉइंट खींच दे रहा हूँ। दो पेंसिल रखनी है इस काम के लिए आपको पेपर में भी अपने पास, ठीक है, क्योंकि एक पेंसिल से कभी कभी गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो अब ये हम आगे बनाएंगे, तो अब ये 3 सेंटीमीटर बी से करना है। मैंने नाप लिया था बच्चों ताकि मेजरमेंट सही आए, आप भी ऐसे ही नाप के चलिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। और ये बी को केंद्र मान के, केंद्र यानी कि बी पर पॉइंट आएगी नुक, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने अन्य वृत्त खींचा। ये सवाल ने हमसे डिमांड की थी, वही हमने किया। देखो जैसा कि सवाल हमसे कहेगा हम वैसा ही करेंगे, कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। सवाल जो कह रहा है वही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे ही रचना के। तो ये 3 सेंटीमीटर का बन गया। अगर ये डार्क ना हो तो मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रदर्शित हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, दिख जाए। चलिए ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो अब ये दोनों वृत्त बन चुके हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन पर फिर से आता हूँ। 4 सेंटीमीटर का ए को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब कह रहा प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। तो मान के चलिए ए से स्पर्श रेखा खींचनी है इन दोनों पर, बी से स्पर्श रेखा खींची इन दोनों पर। कल हमने स्पर्श रेखा सिखाई थी, तो आइए स्पर्श रेखा देखते हैं कैसे होती है। तो आगे देखिएगा, इनकी स्पर्श रेखा खींचनी है। देखो हमें सिंपल सा फंडा पता है कि इसका आधा करना है, ए बी ए रेखाखंड है जो, तो आधे से ज़्यादा लेना होता है प्रकार से जब भी आधा करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा चाप लगाऊंगा ऊपर की ओर, मैंने हाथ तो इसलिए रखा था कि सपोर्ट में साफ आए वो, ठीक है। ये नहीं सोचेगा कि मेरा हाथ आ गया तो आपको दिख नहीं रहा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक आर्क लगानी है, अगर नहीं देखे तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ऐसे सेम आर्क यहाँ से लगानी है, ये आर्क दोनों कटेंगी ठीक ऐसे ही नीचे आनी है, यही सेम बी पॉइंट से, और एक एक आर्क यहाँ से माननी है ए से। तो ये अब हमारी चार जो आर्क हैं इन सबको मिला देना है। दूसरी अन्य पेंसिल लेके चलनी है, मैंने आपको बताया था। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा मैंने और एक पॉइंट यहाँ पे रखा, स्केल लेकर के सीधी लाइन इन पॉइंटों के बीच में खींचनी है। और मुझे नहीं पता इसका आधा पॉइंट कहाँ आएगा, कोई हमने रटा हुआ सवाल नहीं है, ये 4 पे ही आना चाहिए क्योंकि 8 सेंटीमीटर की थी है। और सटीक 4 पे ही आया क्योंकि मैंने दूसरा व्रत खींचा था, मुझे याद है। तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी आधी दूरी हो गई है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप रफ भी कर सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं। चलिए
तो ये आपने इसको हाफ कर दिया। ये जो हाफ किया ना, इसको केंद्र मान करके कहीं से भी किसी भी दूरी से वृत्त खींच दीजिए, मतलब ए तक, मतलब इस हाफ को केंद्र मानेंगे। इसको नाम दे दूंगा मैं एम, ये एम से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी एक नाम दे दिया। एम को केंद्र मान करके ए को, एम ए को त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है। एम ए को त्रिज्या मान लिया और एक वृत्त खींचेगा जो कि पूरा इसी इसी पर आएगा। पेंसिल की स्याही कम है, आप अपनी पेंसिल को घर से भर के लाइएगा भैया, तो बोर्ड के ऊपर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे करके ये पूरा व्रत खींच लेंगे। ये व्रत हमारा पूरा हो गया और इस व्रत में हमें जो जो भी बना है मैं इसके पॉइंट करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। तो ए से अगर मैं कहूँगा कि ये मेरी स्पर्श रेखाएँ हैं तो ये जाएगी ए से एक सीधी स्पर्श रेखा। मैं इसको नाम दे दूँगा भी सुंदर सा, कोई सोचूंगा बढ़िया सा, अभी आ नहीं रहा दिमाग में, ठीक है। ये मैंने ए से एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, और ए से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची, मतलब दूसरे वाले व्रत पे ए से खींचेंगे और पहले वाले व्रत पे बी से खींचेंगे। तो ये दो स्पर्श रेखा आ गई हैं, ठीक है। इन स्पर्श रेखाओं को कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाम जैसे हमने दे दिया ऐसे एक्स वन एक्स टू, और ये इस पर आई हैं बी से खींचेंगे स्पर्श रेखा। तो एक आएगी बी से यहाँ पर, तो ये दो स्पर्श रेखा यहाँ आ गई। जोड़ा आता है स्पर्श रेखा का, इसको बोल दिया वाई वन और वाई टू। तो स्पर्श रेखा कौन कौन सी प्राप्त हुई, ये कोई ए एक्स वन और ये कोई ए एक्स टू, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूँ। तो ये एक कोई ए एक्स वन, एक हो गई ए एक्स टू, और दो स्पर्श रेखा हो गई अलग से बी वाई वन और बी वाई टू। तो दोनों स्पर्श रेखा बन गई हैं। मैंने इसमें रचना के पद नहीं लिखे, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा।